भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति ने शहर में काबिज अवैध कॉलोनी के खिलाफ विरोध का अनूठा अंदाज में मोर्चा खोल दिया है। समिति ने अपने अभियान के दूसरे चरण में दीवार लेखन का काम शुरू किया है। इसके तहत शहर की सड़कों के लिए प्रमुख किनारे दीवारों पर अवैध कॉलोनियों के नारे आज तक करीब 22 दीवारों पर लिखे हैं कि प्रशासन के संरक्षण में पल रही अवैध कॉलोनियों के शहर विदिशा में आपका स्वागत है। इससे पहले समिति ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान के पहले चरण के प्रशासन को ज्ञापन देकर आंदोलन की शुरुआत की थी। समिति के अध्यक्ष रवि प्रकाश साहू का आरोप है कि जिला प्रशासन से साइडगार्ड कर अवैध कॉलोनाइजर लोगों को ठग रहे। अधिकारियों से मिलकर कॉलोनाइजर कई तरह के शुल्क प्रशासन को जमा नहीं करते, बगैर अनुमति के ही शहर में कई जगह अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। विगत एक महीने पहले हमने जिला कलेक्टर को नाम एक ज्ञापन सौंपा था। विदिशा शहर में सैकड़ों कॉलोनियाँ जो अवैध रूप से संचालित हैं पनप रही हैं। इन कॉलोनियों में सिर्फ एक चीज़ लिखी जाती है कि डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। गरीब आदमी जो बेचारा अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करता है और प्लाट लेने की मंशा से वहाँ जाता है तो वो ठगा जाता है, क्योंकि बाकी परमिशन शासन के द्वारा नहीं ली जाती और अवैध कॉलोनाइजर जो है विदिशा शहर के गरीब और आम जनता को ठग रहा है। इसको लेकर के मैंने एक महीने पहले श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, बावजूद एक से डेढ़ महीने होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हम ये जानते थे कि जब तक प्रशासन को हम चेताएंगे नहीं या आम नागरिक को नहीं चेताएंगे तब तक प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा। इसी को लेकर के हमने जो अगला चरण दूसरा चरण जो था हमारा वो अवैध कॉलोनियों के शहर विदिशा में आपका स्वागत है कि हम दीवार लेकर शहर के अंदर करवा रहे हैं। लगभग 2 दर्जन दीवारें हम लिखवा चुके हैं और जो प्रयास हमारा फतह अभी जारी रहेगा 3 दिन और हम इसकी लिखापढ़ी करेंगे, सोमवार के दिन फिर ज्ञापन देंगे और इसके बाद जो है ना पूरे शहर के अंदर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के लोगों के साथ निकलेंगे और आम नागरिकों को इस चीज़ से चेताएंगे कि किस तरीके से SDM तहसीलदार और इनके माध्यम से अवैध कॉलोनाइजर और प्रशासन की फांटगांठ में किस तरीके से विदिशा के लोगों को ठाका जा रहा है। इससे सरकारी जो खजाना में उसमें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई सारी अभी शुल्क होती हैं वैध करने के लिए जो कॉलोनाइजर जमा नहीं करते और प्रशासन के फांट गांठ करके अवैध कॉलोनियों का विस्तार भी दिशा में लगातार होता जा रहा है।